नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुश एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग कुछ हाइड्रोलिक से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर को देखेंगे। ठीक है, इसमें मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक बार जान लेना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट आता हूँ। दोस्तों आज जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट माइक्रोन फिल्टर शुड बी यूज इन सक्शन लाइन। कह रहा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पावर पैक होता है जहाँ पे पंप लगा रहता है, तो पंप का सक्शन लाइन में फिल्टर यूज किया जाता है। ठीक है, तो बोल रहा कि वो जो सक्शन लाइन में फिल्टर यूज होता है उसका माइक्रोन साइज कितना होना चाहिए, मतलब कितना माइक्रोन का फिल्टर हम लोग को यूज करना चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसके आंसर आप बोलिएगा कि सर ग्रेटर देन 100 माइक्रोन, मतलब कि 100 माइक्रोन से ज़्यादा साइज का फिल्टर हम लोग को सक्शन साइड में यूज करना चाहिए। अब सवाल ये भी हो सकता है कि अगर हम 100 माइक्रोन से कम का यूज करेंगे तो क्या हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड आपसे तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई वी कैन नॉट यूज लो माइक्रोन साइज फिल्टर इन सक्शन लाइन। कहेगा कि सक्शन लाइन में लो साइज मतलब कम साइज का जो फिल्टर होता है उसको हम लोग क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है, आप बोल सकते हो कि सर क्रिएट बैरियर व्हाइल सक्शन, मतलब जब पंप ऑयल को सक करेगा अपने अंदर लेगा उस समय क्या होगा कि अगर हम 100 माइक्रोन से नीचे का माने कम साइज का अगर फिल्टर यूज करेंगे तो सक्शन सही से नहीं होगा, जिसको हम लोग पुअर सक्शन बोलेंगे, मतलब सही से पंप के अंदर जाएगा नहीं, वो बैरियर क्रिएट होगा, बाधा होगा, पंप सही से सक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि पार्शियली वैक्यूम जनरेट, सही बात है, अगर सही से पंप ऑयल को अपने अंदर नहीं ले पाएगा तो अंदर में क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम का मतलब होता है कि ऑयल के बीच खाली जगह बनेगा जहाँ से क्या होगा कि ऑयल के अंदर एयर ट्रैप हो जाएगा, एयर फंस जाएगा, जिससे पंप में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर आप बोल सकते हो कि पंप कैविटेशन प्रॉब्लम, कैविटेशन का मतलब वही हुआ दोस्तों कि अगर सही से सक्शन नहीं होगा तो एयर अंदर में जनरेट होगा और एयर जनरेट होने की वजह से पंप के अंदर कैविटेशन होगा, पंप में छोटा छोटा दाग आएगा, पंप बहुत जल्दी डैमेज होगा। फिर आप बोल सकते हो कि प्रेशर ड्रॉप प्रॉब्लम, प्रेशर ड्रॉप करेगा, अगर सही से ऑयल नहीं मिलेगा पंप को तो पंप सही से डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर आपको जितना चाहिए उसमें प्रॉब्लम होगा, वो मिल नहीं पाएगा, प्रॉब्लम आएगा। मतलब पूरा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि रिड्यूस एफिशिएंसी, उसका जो एफिशिएंसी होगा सिस्टम का पूरा ही कम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो घट जाएगा। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक जनरल टाइप का पूछ सकता है कि व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। बोलेगा कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या है ये आप बताइए, ये हाइड्रोलिक से रिलेटेड है इसीलिए आपसे पूछ सकता है। तो इसके आंसर होता है कि द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एटमोसफियर इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा चीज़ अगर वो एटमोसफियर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी रखता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। बोलेगा कि हाइड्रोलिक ऑयल का नेचर कैसा होता है ये आप बताइए। ठीक, तो अभी जैसे मैं बताया हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या है, तो इसका यही आंसर होगा कि जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है उसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि हाइड्रोलिक ऑयल मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, कहाँ से, एटमोसफियर से, इसीलिए उसका जो नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। फिर तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर कंटामिनेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम। बोलेगा हाइड्रोलिक सिस्टम में वाटर जो कंटामिनेशन होता है, मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, उसके क्या क्या सोर्सेस है, मतलब कहाँ कहाँ से वो कर सकता है या आता है। तो पहला पॉइंट आप बोल सकते हो कि सर रेन वाटर, अगर रेन वाटर सिस्टम को मिल रहा है तो वहाँ से वो जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा टैंक का टॉप, जो टैंक का टॉप है वहाँ से भी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। फिर एटमोस्फियरिक मॉइस्चर, जो एटमोस्फियर में मॉइस्चर रहता है उसको भी वो एब्जॉर्ब करता है एयर ब्रेदर के थ्रू, या आप बोल सकते हो कि ब्रेदर, जो एयर ब्रेदर रहता है वहाँ से मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो सकता है। फिर आप बोल सकते हो कि लीकेज ऑफ अदर केमिकल या लाइन, मतलब लाइन में अगर कोई लीकेज है या कोई केमिकली कहीं से
सोर्सेस है मिल रहा है, तो वहाँ से भी मॉइस्चर मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक पावर पैक। बोले कि एक जो हाइड्रोलिक पावर पैक होता है जिसमें बहुत सारा भाल पंप वगैरह रहता है, उसका एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, कर सकता है, ये करता है। तब बोलिए कि सर टू कन्वर्ट ए प्राइमरी ड्राइव सोर्स इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लो। मतलब इसको अगर हिंदी में समझें तो कह रहा है कि जो ड्राइव सोर्स होता है, मतलब मोटर जो होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर से जो हाइड्रोलिक ऑयल रहता है उसका फ्लूइड का पावर को वो कन्वर्ट करता है। मतलब जो ड्राइव सोर्स रहता है, इलेक्ट्रिकल सोर्स रहता है, उसको वो हाइड्रोलिक फ्लो फ्लूइड का फ्लो में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। यही उसका प्रिंसिपल है, तभी हम लोग को फ्लो प्रेशर मिलता है। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि व्हाट इज ए हाइड्रोलिक पावर पैक। बोला क्या हाइड्रोलिक पावर पैक एक्चुअली है क्या, वो बताइए। इसको वैसे बोल सकते हो कि सर अगर हिंदी में बोला जाए कि सर एक हाइड्रोलिक पावर पैक जो है वो बहुत सारा वाल्व्स, बहुत सारा कंपोनेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिसमें मोटर रहता है, ऑयल रहता है जिसको फ्लूइड बोलते हैं, पंप रहता है, रिजर्वर रहता है, वो सारा मिलकर क्या करता है, सिस्टम में प्रेशर को बढ़ाता है। मतलब ऑयल का प्रेशर को आगे बढ़ाता है, तो सही मतलब हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम वो काम कर पाता है। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हो कि हाइड्रोलिक का जो पावर पैक है वो एक बहुत सारा कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन हाइड्रोलिक पावर पैक। बोलेगा हाइड्रोलिक पावर में किस टाइप का मोटर पे मोटर यूज किया जाता है। तो देखिए जितने भी हाइड्रोलिक पावर पैक होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज किया जाता है। ठीक है, और उसका जो रेंज होता है कि कितना से कितना किलोवाट तक का यूज किया जाता है, चाहे सिस्टम कितना ही बड़ा हो, वो होता है कि 0.5 किलोवाट से 100 किलोवाट तक का मोटर को हम लोग यूज करते हैं, किसमें, हाइड्रोलिक सिस्टम। इससे ऊपर का जो मोटर आता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज नहीं होता। 100 किलोवाट का मोटर मतलब बहुत बड़ा मोटर, बहुत बड़ा सिस्टम होगा तभी ये लगेगा। ठीक है, इसी रेंज में हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ डू यू कैलकुलेट हाइड्रोलिक पावर आउटपुट। कह रहा है कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पावर मिल रहा है हम लोग को आउटपुट में, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जो ऑयल का प्रेशर फ्लो होता है उससे हमको कितना पावर आउटपुट में मिल रहा है ताकि हम सिस्टम में काम कर पा रहे, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। वो फॉर्मूला ये है कि पावर इज इक्वल टू कैपिटल पी इंटू कैपिटल क्यू बाई 600। ठीक है, इसमें जो कैपिटल पी है उसका मतलब होता है कि प्रेशर इन बार, मतलब ऑयल का जो प्रेशर रहता है वो कितना है बार में, वो आपको लिखना है। उसका जो क्यू होता है वो फ्लो, ऑयल का जो फ्लो है वो कितना है, किसमें, इन LPM, लीटर पर मिनट में कितना फ्लो जा रहा है, वो होता है क्यू। और जो पावर है वो कौन सा पावर है, वो है आपका किलोवाट में निकलेगा। मतलब जो भी हम पावर निकालेंगे वो फ्लूइड का पावर निकलेगा किलोवाट में, कितना किलोवाट हमको पावर आउटपुट में मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला में ये सारा चीज़ अगर आप बैठा दोगे, पुट कर दोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपको हाइड्रोलिक पावर मिल जाएगा आउटपुट में, कितना आपको मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।